In this video, we learn about the foreign trade of Indian economic development. India has been an important trading nation since ancient time. शुरुआत से ही इंडिया बहुत important trading nation था. However, the restrictive policy adopted by the British government adversely affect the structure and composition and volume of the Indian foreign trade. जो ब्रिटिश ने अपनी restrictive policy अडॉप्ट करी उससे हमारा जो ट्रेड था फॉरेन ट्रेड बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ था. मेन क्या था, इन्होंने रॉ मटेरियल यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे और वहाँ से फिनिश गुड्स ला के यहाँ पर बेचते थे. सारा का सारा कंट्रोल आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट का था और जितना पैसा यहाँ पे वो कमाते थे वो अपनी ही इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए कमाते थे. कभी भी इंडिया की इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं करा. एक्सपोर्टर ऑफ़ द प्राइमरी गुड्स एंड इम्पोर्टर ऑफ़ द फिनिश गुड्स. पहले पॉइंट में ही आता है कि एक्सपोर्टर है प्राइमरी गुड्स का, इम्पोर्टर है फिनिश गुड्स का. मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश रूल. मोनोपोली कंट्रोल था किस चीज़ का आपके ब्रिटिश रूल का, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. जो पैसा था वो निकलता था ज़्यादा किस टाइम पे, ब्रिटिश रूल के टाइम पे. एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल, इंपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स. इंडिया बिकम अ एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी गुड्स लाइक रॉ सिल्क, शुगर केन, इंडिगो, जूट एटसेट्रा. ये रॉ सिल्क जो प्राइमरी गुड्स था, प्राइमरी मीन्स जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इन सारे के सारा रॉ मटेरियल वहाँ पे जाता था. एंड इंपोर्टर ऑफ द कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस इन द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज. इंडिया से जितना भी रॉ मटेरियल था वो बाहर जाता था, बाहर की इंडस्ट्रीज में बन के वो सारा सारा यहाँ वापस आता था. मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश रूल. मोनोपोली कंट्रोल किसका था आपके, ब्रिटिश रूल का. ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडिया एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. ज़्यादातर जो कंट्रोल था वो पूरा कहाँ था आपका, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट. ज़्यादातर वो मेन कंट्रोल गवर्नमेंट का था एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे. मोर देन 50% ऑफ इंडियन ट्रेड वॉज टू बी रेस्ट्रिक्टेड टूवर्ड द ग्रेट ब्रिटेन. आता भी है ये क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा, मतलब कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इंडिया का जो ट्रेड था सबसे ज़्यादा कहाँ होता था, ग्रेट ब्रिटेन में. और इसका मेन रीज़न क्या था, ओपनिंग ऑफ स्विस कैनल. क्या ओपन हुआ था आपका, स्विस कैनल 1869 में, जिसमें एक डायरेक्ट रूट बना था जिसे सिल्क रूट भी कहते हैं, फ्रॉम द शिप ऑपरेटिंग बिटवीन द इंडिया एंड ब्रिटेन एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. जिससे वो एक तरह का शॉर्टकट था जिससे उनका जो ट्रांसपोर्टेशन था गुड्स का वो भी कम हो चुका था. नेक्स्ट आपका इसमें आता है कि ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. देयर वॉज अ ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यू टू द एक्सेसिव इम्पोर्ट. बहुत सारा पैसा होता था उनके पास क्योंकि वो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते थे. एक्सपोर्ट सरप्लस वॉज नॉट यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. इंस्टीड ऑफ इट यूज फॉर, इंस्टीड की स्पेलिंग गलत है वो सही कर लेना. इंस्टीड इट वॉज यूज किस चीज़ के लिए यूज़ करा जाता था, टू मीट द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस थे उन्हें पूरा करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है टॉप लेवल. टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जहाँ युद्ध कर रही होती थी उससे खर्चे सारे यहीं से पूरे होते थे. एंड टू इम्पोर्ट द विजिबल आइटम्स. और ज़्यादातर जो पैसा था वो विजिबल आइटम्स को इम्पोर्ट करने में काम आता था.